हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, ये आप तो सभी जानते हैं कि राधिका जी के घर एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ है और वो बहुत ही प्यारा है और वो है बेबी बॉय। और मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारे इंट्रोड्यूस भी कराए थे कि हाँ, उनका बेबी कैसा है। अभी बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छे से खेल भी रहा है और मस्ती भी कर रहा है आशी के साथ, तो और भी ज़्यादा घुल मिल कर खेल रहा है। तो ये मुझे बार बार आपको बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ये सभी जानते हो। बट जो राधिका जी के साथ जो छठी के दिन हुआ ना, शायद वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको इसके बारे में खुलासा करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी पता चल पाएगा कि आखिर राधिका जी के बारे में आज का वीडियो खास क्यों है, ये आप जानना चाहोगे ना। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मॉर्निंग है वो हो चुकी है और अभी हम सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि घर में ना बहुत सारे काम होते हैं और आज हम इतना लेट से उठे हैं कि मैं क्या बताऊं, बहुत सारे काम हैं। देखिए, मेरे अभी भी जमाई ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि जिनके घर में बेबी होता है ना, उनका जो बैंड बजता है ना, वो मतलब वो सभी जानते हैं, मुझे उनको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेबी इतना तंग करते हैं रात को ना, कब उठ जाएंगे और कब ठुनठुनाना शुरू कर देंगे, ये तो मतलब जो माँ है वो ही जान पाएंगी, क्योंकि जो माँ है वो जान पाती हैं कि आखिर बेबी की क्यों नहीं सोने देता है। तो मेरा भी वही हाल है, बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना और साथ में इतने सारे काम करने पड़ते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत सारे काम होते हैं। सो अभी आप देख सकते हो मेरे बेड के ऊपर क्या स्थिति अभी है, बेड का पूरा हुलिया जो है ना चेंज है, कैसे दोनों बाप बेटू कैसे कर दिए हैं, पूरा प्लास्टिक वगैरह जब बेबी सोता है ना, तो ये मैं प्लास्टिक दे देती हूँ ताकि जो बेबी कभी कभी ऐसे दिन में, ऐसे तो मैं रात को डाइपर पहना देती हूँ, बट कभी कभी दिन में भी कर देता है तो दिक्कत हो जाता है ऐसे, तो बस वही फिर से सरियाने होंगे, बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। और ये देख सकते हो, ये मेरे पीछे पूरे के पूरे पूरा कपड़ा कैसे फेंका हुआ है, ये भी मोड़ना है और ये सारे काम मुझे ही करना है, क्योंकि वो इतने सारे काम करते हैं वीडियो को लेकर, बेबी को संभालना। और अभी भी पता आपको क्या है, अभी भी वो बेबी को लेकर बाहर गए हैं, तब अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ कि चलो आपको भी मैं बता देती हूँ, इंट्रोड्यूस करा देती हूँ राधिका जी के बारे में, क्योंकि मैंने राधिका के बारे में दो दिन से कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था और उनकी छठी के दिन के जो ब्लॉग थे बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती किया, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये देखो मेरे किचन का हाल क्या है, पूरा मेरे किचन का हाल जो है ना पूरा एकदम से हुलिया ख़राब हो चुका है। ये यहाँ पे दूध वगैरह गर्म हुआ है, अभी गैस वगैरह भी पोछे नहीं है। ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा बर्तन कैसे पड़ा हुआ है, तो ये सब भी धोने हैं, बहुत सारे काम होते हैं, मैं क्या क्या बताऊँ। तो अभी मेरा काम पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ था कि देखिए बदमाश लोग, दोनों बदमाश लोग आ गए और बेबी भी हाय कह रहा है, इतना तंग करता है रात भर फिर भी अभी हाय कह रहा है। मन तो करता है ना दोनों बाप बेटू को ना घर भेज दूँ अपने घर। तो हाँ, हम आपसे क्या बोलने वाले थे कि आज हम राधिका जी के छठी के बारे में कुछ बताने वाले हैं, तो यही तो खास है गाइस, बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा खुश है। मैंने उनका वीडियो देखा, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि उनकी सासू माँ और उनकी माँ दोनों ने मिलकर उनकी छठी को जो है ना यादगार बना दिया। लेकिन ये क्या, उन्होंने तो किसी को बुलाया ही नहीं घर पे। ऑफ कोर्स इसलिए वो बोल रही थी कि मैंने घर के आजू बाजू के लोगों को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं अकेले संभाल नहीं पाऊँगी इसलिए मैं नहीं बुला रही हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए था उनको, क्योंकि वो इतनी बड़ी खुशी उनके घर आई है और ये खुशी तो उनको जाहिर करना चाहिए था, ये सभी कोई जानते हैं। और वो बता रही थी कि जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी, पूरी परिपक्व हो जाऊँगी, तो उसके बाद ही मैं अपने दोस्त रिश्तेदार को अगल बगल को बुलाऊँगी और फिर से अच्छे से जो होता है ना खाना खिलाना वगैरह सब आइटम करवाएंगे। और राधिका जी ने 6 दिन बाद इतना अच्छा खाना खाया, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा वो खा रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से वो खाई नहीं थी। ऑफकोर्स ऐसा होता है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन हमें तो बहुत कुछ नहीं मिला था खाने के लिए, क्योंकि हमारा सिजेरियन हुआ था, तो उन्हें तो बहुत चीज़ मिला खाने के लिए, उनकी माँ ना साग सब्जी पूड़ी चावल और बहुत सारे विभिन्न आइटम थे, और वो मुझे देख के ना मुझे लग रहा था कि वाह
और राधिका कितना दिन बाद आप खाई हो इतना सारा खाना, तो उनके सारे व्यूवर्स कह रहे हैं ना बहुत अच्छा, आप थोड़ा इधर ही बांट दो। तो मैं भी उनसे कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा यदि हमारे तरफ भी ध्यान दे रहे होंगे थोड़ा हमें भी बांट दीजिए, हमें भी दे दीजिए, ताकि आपकी छठी की खुशी में, आपकी बेबी का छठी की खुशी में हम लोग भी थोड़ा कुछ खा लें, क्योंकि सभी को इंतज़ार रहता है ना। क्योंकि वो मैं उनकी एक बहुत ही बड़ी फ़ैन और व्यूवर्स हूँ और मैं हमेशा उनकी वीडियो को देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, तभी तो मैं उनके बारे में इतना कुछ जानती हूँ कि क्या है कैसे है। तो राधिका जी के बारे में तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ बता चुकी हूँ आपको कि राधिका जी बहुत अच्छी हैं और वो अपने फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभाल लेती हैं, ये किसी से बात छुपा नहीं है। और उनके तो अभी तीन तीन बेबी हो चुके हैं, दो बॉयज़ यानी दो बेटा और एक बेटी, बहुत ज़्यादा खुश है। और घर में रौनक तब है ना, आशी इतना ज़्यादा खुश है अपने भाई को पाकर, वो कहती है मेरे दो दो भाई आ गए। ऑफकोर्स होंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि घर में यदि भाई बहन का प्यार, मम्मी पापा का प्यार सबका मिलता रहे तो घर में तो खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, ये सारे ये सब मुझे सरियाने हैं, अभी झाड़ू वगैरह ही मैंने कुछ भी नहीं किया, झाड़ू भी सरियाने हैं, और फिर इतने सारे कपड़े मुझे सब मोड़ने हैं, कोई तो हेल्प करने वाला है नहीं, मेरे हस्बैंड तो और बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, तो मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो गाइस राधिका जी के बारे में तो यही हुआ कि उन्होंने किसी को अगल बगल वाले को नहीं बुलाया, शायद हो सकता है वो कुछ अच्छा सा कुछ अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइज करने की सोच रही होंगी, इसलिए वो अगल बगल को नहीं बुलाई है। तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मुझे इनवाइट करे, मैं भी वहाँ पे जाऊँ और उनके साथ मस्ती करूँ, उनके बेबी को देखूँ, बट अभी टाइम ऐसा मिल नहीं पाया है, हम लोग जा नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत जल्द जाएंगे उनसे और डायरेक्ट रूबरू करवाने वाले हैं। सो गाइज, आज का ब्लॉग सिर्फ राधिका जी के लिए था, क्योंकि उनकी छठी का, उनके बेबी का फर्स्ट सेरेमनी था और उनका बेबी बहुत क्यूट लग रहा था और राधिका जी बहुत प्यारी लग रही थी साड़ी में, बहुत सुंदर लग रही थी। और तो फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड